अपन ये वाले पोर्शन की शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कर्व आ रहा है आंखों के ऊपर यहाँ तक आ रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है, ऊपर ले जाओ। फिर यहाँ से जो है ये जो स्ट्रोक्स दिख रहे हैं ये वाला ऐसा, यहाँ पे प्रिंट आउट में ऐसे बहुत कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए आपने कोई फोन में खोले इमेज उसमें स्ट्रोक्स सही दिखेंगे। वरना जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है कि यहाँ से कर्व होते हुए आ रहे हैं, यहाँ से नॉर्मल सटल कर्व्स हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ऐसे। यहाँ पे भी कर्व आया, थोड़े हल्के हल्के ऊपर ऐसे बिखरते हुए ऐसे बना दो, यहाँ एक आध दो ऐसे बाहर जाते हुए, ताकि ज्यादा बेटर लगता है, रियलिस्टिक सा लुक आता है ऊपर बिखरते हुए ऐसे। यहाँ पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ डायरेक्शन देखो, ये जो है यहाँ पे कैसे है? ये जो यू शेप दिख रहा है इसमें यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऐसे लेफ्ट की तरफ ले गए, ऐसे ऊपर की तरफ ले गए। यहाँ पे जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ओके, तो पहले इतना कर लूं, ओके okay। ये वाले जो है देखो यहाँ पे जो चेहरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे मत करना कि चेहरे की तरफ पूरे बहुत ज्यादा भर दिए, यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के से आ रहा है ऊपर से, फिर थोड़े बहुत यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से नहीं पूरे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे एक पोर्शन ये है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए, फिर यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे नीचे निकलते हुए, फिर नीचे की तरफ दाढ़ी में जो ज्वाइन होंगे बाल वो यहाँ पे आएंगे। तो अपन जो यहाँ वाले स्ट्रोक्स हैं पहले अच्छे तरीके से वो देंगे, ठीक है, यहाँ पे जो बाल आ रहे हैं हल्के हल्के थोड़े से बाहर से बिखरा दो, जैसे ये छोटे छोटे हैं यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर ऊपर की तरफ थोड़े बाहर से बिखरने से, सेम चीज यहाँ पे होगी, ऐसे बाल आ रहे हैं जो थोड़े एक आध दो ऐसे बाहर की तरफ आएंगे, ऐसे नीचे कर्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बाल आ रहे हैं जैसे फेस पे आएंगे वो हल्के हल्के इस तरीके से शेप्स आए, दाढ़ी बनाई थी भूल से बनाई थी, ये वेव फॉर्म में थोड़े बहुत यहाँ पे आए और फिर ये यहाँ ज्वाइन हल्के से, तो कुछ नहीं करना, बहुत लंबे लंबे नहीं लगाने हैं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आए, एटलीस्ट करना कि हाफ हाफ यहाँ से नीचे तक ऐसे, और फिर यहाँ से दाढ़ी से ऊपर की तरफ कर देना, तो उससे क्या होगा मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से। सेम चीज यहाँ से ईयर्स की आउटलाइन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं भर देना, ऐसे आए हल्के हल्के, ठीक है। अरे पीछे का हिस्सा भर गया, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े बाल ऐसे निकलेंगे, और फिर ये पोर्शन मत भूल जाना ईयर्स के नीचे भी है, तो यहाँ पे ऐसे कर्व करते हुए आएंगे बाल, ताकि
हल्के हल्के बाहर की तरफ भी निकलेंगे थोड़े से, दाढ़ी वाले पोर्शन में अच्छे तरीके से मिक्स करना है बियर्ड वाले पोर्शन में, और ये अपनी फर्स्ट लेयर हो जाती है। फर्स्ट लेयर करने के बाद कुछ नहीं करना होता, उसे ब्रश से ब्लेंड कर लो अच्छे तरीके से बस। यहाँ पे अच्छे से कर लेना, ये पूरा आगे तक नहीं लाना है, एक चीज ध्यान रखना सिर्फ यहाँ तक, थोड़ा आगे आईज के ऊपर वाला पोर्शन। ये ठीक है, तो इतना हो जाता है। उसके बाद अब सेकेंड लेयर करेंगे, फाइनल लेयर। देखो टेंडी से करना है, टेंडी से डायरेक्टली शार्प रखना पेंसिल, पहले आउटलाइन बना लो इस तरीके से। फिर एक एक करके एक एरिया डिफाइन करो, जैसे ये करा मैंने, उसे कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ये किया, उसे कंप्लीट किया। ओके, इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाओ, पूरे जरूरी नहीं कि यहाँ तक लाने हैं, बस एक बार ध्यान रखना जितने स्ट्रोक्स लगा रहे हो अच्छे डेप्थ के साथ होने चाहिए। ये किया, सेम तरीके से यहां धीरे धीरे कर्व करते हुए इस तरीके से करना। अब जो बाल बिखर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं पूरे 10B से करो, जैसे यहाँ पे है पीछे से लाए, या चेहरे में जो जा रहा है ला रहे ऊपर फोरहेड पे बाल, इन पे ध्यान देना, जैसे बहुत मोटे मोटे स्ट्रोक्स नहीं करना और एकदम फुल चेहरे पे नहीं ले आना है, ये हल्के हल्के पीछे की तरफ छोड़ दें, क्योंकि अपन HB से मैकेनिकल पेंसिल से अपनी लगा चुके हैं वो स्ट्रोक्स, अपन को उतने ज्यादा नहीं भरने, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये वाइट छूट गए, आगे तक तो लाओ एटलीस्ट ठीक है। और थोड़े थोड़े बाल ऐसे बाहर की तरफ भी बिखरेंगे, फिर यहां से जो ऐसे बाल आ रहे हैं इसके लिए क्या करो, स्केच को थोड़ा घुमा लो ताकि कर्व्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा फोरहेड पे नहीं लाना है बाल, एक चीज ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ तो गंदा हो जाएगा। यहाँ पे पीछे की तरफ गए, थोड़े बाल बाहर की तरफ भी बिखर रहे हैं, फिर ये इधर की तरफ जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से आया, तो यहाँ पे फोरहेड की तरफ ये बीच में इस तरीके से नॉर्मली फिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक बार ध्यान दे लो, ठीक है, उसके बाद साथ साथ करते जाना, इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रोक्स ला, बहुत ज्यादा एरिया नहीं छोड़ना है ये, ठीक है। यहाँ पे भी रेफरेंस में देखो ऐसे बहुत कम ही सा छूटा हुआ है, ठीक है, वो तो HB में ज्यादा छोड़ रखा था। पेंसिल शार्प करनी है, थोड़े ऊपर नीचे करने हैं स्ट्रोक्स, ऐसे नहीं कि पूरे ऊपर ऊपर तक आ गए, कुछ थोड़े नीचे तक जाएंगे, कुछ थोड़े ऊपर ही रहेंगे इस तरीके से। अब क्या करना, हल्के से ऊपर लाओ, ये जो फोरहेड पे जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा मत करना, ये नीचे हल्के हल्के ऐसे फिर फोरहेड पे चले गए। ठीक है, फिर इसको करने के बाद क्या करना, मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के बीच में स्ट्रोक्स लगाना, अगर बहुत खाली खाली लग रहा हो तो। इस तरीके से अपन ने क्या किया,
ये वाला पूरा पोर्शन किया, बीच में जो हाईलाइट वाले पोर्शन है वो इस तरीके से होंगे। ये वाला पोर्शन हो गया, इसमें हाईलाइट देख सकते हो कि ऐसे नहीं है कि पूरे में गायब था, ठीक है। हल्का हल्का अपन ने छोड़ा है, और फिर क्या करेंगे, हल्के हल्के ऐसे पतले पतले स्ट्रोक्स ऐसे मैकेनिकल पेंसिल से लगा दे रहे हैं ताकि अच्छे लगे। सेम चीज यहाँ करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे मैकेनिकल पेंसिल से लगा रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखना 10B से जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं यहाँ बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं रहेंगे, शार्प से रहेंगे। तो ये है सेम तरीके से जैसे अभी भरा है, सेम तरीके से ये भी 10 की से करना है। हल्के हल्के बाल ऊपर ऊपर निकालते रहना।
ये भी जो ऐसे शेप आ रहा है ऐसे अकेले शेप में नहीं छोड़ रहे, हल्के हल्के ऐसे ऐसे बाल से बाहर की तरफ लेते जाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान करना कि बहुत ज्यादा जो टेनबी से स्ट्रोक्स है चेहरे में नहीं भर जाए, अपन ने जो नॉर्मली करे थे सिर्फ उस तरीके से, और फिर जो चेहरे पे बॉर्डर आती है ये भी अपन को लगभग लगभग इसी पे रखनी है कि दाढ़ी के बाल आने चाहिए। ठीक है, ऐसे कर्व करते हुए आ रहे हैं। देखो ऐसा ना हो कि ये डार्क लगे ये लाइट लगे या इसका उल्टा, अपन को एक जैसे करना है। ये हुआ, तो इसी तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स ले जाओ ताकि आइडिया रहे कि कितने डार्क है। ईयर्स के पास लाइट मत करना, डार्क ही रहने चाहिए। यहाँ पे स्ट्रोक्स जो अच्छे खासे घने और डार्क लगाना, क्योंकि ये पूरा हिस्सा अपने रेफरेंस इमेज पे एकदम डार्क है, तो अपन इसे खाली नहीं छोड़ना चाहेंगे कहीं भी पोर्शन पे। हेयर्स की जो शेडिंग है वो हो जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, 10B से अपन ने शेड किया है तो अच्छे तरीके से फैलता है, तो गलती से भी ब्लेंडिंग करते हुए ब्रश ना चेहरे की तरफ मत ले आना, हमेशा चेहरे से बाहर निकालना। और जहां अगर इकट्ठा होने लगे ग्रेप है या तो उसे आगे कहीं शिफ्ट करो वरना जोर से फूंक मांगो मारो। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से ऐसे कर्व कर करके ठीक है डिफरेंस देख सकते हो, ये ब्लेंडेड और ये बिना ब्लेंड के, ये ज्यादा अच्छे स्मूथ लग रहे हैं। यही सेम चीज यहाँ करेंगे आराम आराम से, बस फोरहेड पे नहीं आना चाहिए पूरा ग्रेफाइट। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो डिफरेंस यहाँ पे अच्छा खासा, तो वही सेम चीज करनी। अब यहाँ पे देखो ऐसे ब्रश चलाते हुए आ जाओ, ठीक है पूरा ऊपर ऊपर से नीचे चलाओ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ये बीच में जो हाईलाइट जो बनाया है उसे क्यों फिल कर रहे हैं अभी, तो उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन जब मैकेनिकल इरेजर लेंगे अपनी, अपन इस तरीके से थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, हल्के हल्के ये लगाए उन पे, ज्यादा नहीं थोड़े से मैकेनिकल तरीके से लगा और हल्का सा ब्रश चला, तो ये आ गया। अभी अपन इस तरीके से करेंगे तो अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाएंगे इस तरीके से, अच्छे से ब्लेंड कर लो। ग्रेफाइट फोरहेड पे नहीं होना चाहिए, देखो मेरा थोड़ा सा हो गया है, तो मैं क्या करूंगा ब्रश साफ किया मैंने और हल्का सा फैला दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं थोड़ा सा। ये वाला पोर्शन है
यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्कुलर चला लो ताकि ये सब एक दूसरे में ब्लेंड होता हुआ दिखे। ये वाला पोर्शन आता है, बियर्ड वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से करना ऊपर ब्लेंड। यहाँ पे ग्रेफाइट कम लग रहा है तो थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स और लगाओ ताकि ग्रेफाइट ज्यादा आए। ये करने का कुछ नहीं करना, हल्के हल्के से यहाँ पे ऐसे कर्व स्ट्रोक्स लगाओ अपने मैकेनिकल इरेजर से और फिर हल्का सा ब्रश चला दो बस। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रेफाइट ऊपर निकल रहा है उसे इरेज करो, हल्के हल्के ऊपर स्ट्रोक्स लगा दो ऐसे और ये अपना ईयर्स कंप्लीट हो जाता है। अपना ये पूरा दर्शन रावल का स्केच इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। ये नीचे भी बाल वाले बचे हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रोक्स लगाओ 10B से और इसे भी ब्लेंड कर दो। ब्रश यहीं पे चलाना, आसपास मत फैलाना। इस तरीके से अपना ये दर्शन रावल का स्केच कंप्लीट हो जाता है।